वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम मज़मून पढ़ेंगे पाबंदी वक्त। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती। जो वक्त से फ़ायदा उठा लेता है वक्त उसके काम आ जाता है, और जो वक्त की कदर नहीं करता वक्त उसे कोसों पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। स्टूडेंट, कोसों लफ्ज़ किलोमीटर से है, काफ़ी दूर पीछे छोड़ जाता है। वक्त एक अजीम दौलत है, वही शख्स दुनिया में इज्जत और सरवत हासिल कर सकता है जो वक्त से फ़ायदा उठाता है, उसकी कदर करता है और उसे ज़ाया नहीं करता। हमें चाहिए कि वक्त ज़ाया ना करें, हर काम मुकर्रा वक्त पर करने की आदत इख्तियार करें, और कभी आज का काम कल पर ना डालें। हर काम अपने मुकर्रा वक्त पर करना चाहिए, यही पाबंदी वक्त है। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते वो दर हकीकत एक कीमती ख़जाना ज़ाया कर देते हैं। गुज़रा हुआ वक्त कभी किसी कीमत पर भी वापस नहीं आता। पाबंदी वक्त के साथ अगर हम मेहनत करें तो हम अपनी इक्तसादी हालत दुरुस्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इक्तसादी हालत से मुराद है इकनॉमिकली, पैसे के लिहाज से, मुआशी तौर पर इज्जत की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। यूँ हम किसी के मोहताज नहीं होंगे। बकौल शायर, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐश दौरान दिखाता नहीं। यहाँ पर लफ्ज़ है दौरान। दाल वाओ रे और फिर अलीफ और फिर आगे जो है ना वो नून गुन्ना दौरा। निज़ामी कायनात भी हमें पाबंदी वक्त का दर्स देता है। हर मौसम अपने मुकर्रा वक्त पर बदलता है, दिन रात मुकर्रा वक्त के पाबंद हैं। सूरज एक ख़ास वक्त पर तलू और गरूब होता है। गर्ज कायनात की तमाम चीज़ें अपने प्रोग्राम में कभी बेकायदगी नहीं आने देती। इंसान अशरफुल मखलूकात है, वो अगर पाबंदी वक्त का आदि ना होता तो ये उसकी ना समझी और ना अहली है। तालिब इल्म अगर वक्त पर स्कूल ना जाए तो तालीम हासिल नहीं कर सकता। अगर फसल वक्त पर ना बोए वक्त पर अगर किसान फसल वक्त पर ना बोए, वक्त पर पानी ना दे और वक्त पर ना काटे तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह कारखानादार वक्त पर काम ना करवाए और मज़दूर अगर वक्त पर काम ना करे तो इन दोनों को कुछ भी हासिल ना होगा। दुनिया में कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए नहायत ज़रूरी है कि वक्त की पाबंदी की जाए और एक लम्हा भी ज़ाया ना किया जाए। कहते हैं कि एक मिनट का भूला हुआ लाखों कोस दूर रह जाता है, कोस यानी किलोमीटर। ये सही है, जो लोग वक्त की कदर नहीं करते दौलत उनसे रूठ जाती है, इज्जत उनसे मुंह मोड़ लेती है और वो सारी उम्र नाकाम ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। एक सेकंड भी ज़ाया करना खयानत मुजरमाना है, इसलिए वक्त को रायगा नहीं करना चाहिए। रायगा यानी ज़ाया, जो काम वक्त पर कर लिया जाए वही बेहतर है। अगर उसे दूसरे वक्त के लिए इल्तवा में डाल दिया जाए, इल्तवा यानी लटका दिया जाए, पीछे डाल दिया जाए, तो अक्सर औकात नामुकम्मल ही रहता है। चनांचे वक्त की कदर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हर काम वक्त पर कर लिया जाए। बाज़ औक़ात किसी काम को बार वक्त सर अंजाम ना देने से बड़े बड़े नुकसान से दोचार होना पड़ता है। दोचार से मुराद है कि मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तारीखी शवाहिद, शवाहिद शाहद की जमाए गवाही। तारीखी शवाहद भी ये साबित करते हैं कि वक्त की पाबंदी ना करने से ऐसे ऐसे नुकसानात हो जाते हैं जिसकी तलाफी होता है नुकसान भरना, जिसकी तलाफी ज़िंदगी भर नहीं हो सकती। एक बेगुनाह शख्स सिर्फ इसलिए फांसी दे दिया गया कि कासद होता है पैगाम लेकर आने वाला, कासद जो उसकी रिहाई का हुक्मनामा लेकर जा रहा था सिर्फ 5 मिनट देर से पहुंचा। इस तरह नेपोलियन का एक जर्नैल मैदान जंग में देर से पहुंचा और शिकस्त खा गया।
जो लोग पाबंदी वक्त का ख्याल नहीं रखते वो बहुत खसारे में रहते हैं। खसारे से का मतलब है नुकसान में। पाबंदी वक्त से इंसान खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकता है और इसकी बहुत सी तकालीफ खुद बखुद ख़त्म हो जाती हैं। बकौल शायर, तेज़ कदमों से चलो और तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। कामयाबी का हसूल, हसूल होता है हासिल करना, कामयाबी का हसूल पाबंदी वक्त पर मुनहसिर है। वक्त की पाबंदी हर शोबे में ज़रूरी है। दुनिया का कोई शख्स हा वो किसी पेशे से ताल्लुक़ रखता हो, जब तक वक्त का पाबंद नहीं होगा कामयाबी से हम किनार नहीं हो सकता। हमारे ख्याल में वक्त की पाबंदी जितनी एक तालिब इलम के लिए ज़रूरी है शायद किसी और के लिए इतनी ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये ज़माना इंसान की ज़िंदगी की तामीर व तरक्की का बेहतरीन दौर होता है। ज़माने तालिब इलमी में अगर वो पाबंदी वक्त को मलहूज़ रखता है, मलहूज़ यानी खातर में रखता है, उस पर अमल करता है, तो दौलत इल्म से मालामाल हो सकता है। उसकी ये आदत बाद में अमली ज़िंदगी में भी उसके लिए मुफीद साबित होती है। वो जहाँ भी जाता है कामयाब व कामरान होता है, यानी कामयाबी उसके कदम चूमती है, कामयाब व कामरान होता है। जो लोग वक्त के पाबंद होते हैं उनमें सुस्ती और काहली नाम को नहीं होती। वो हर काम वक्त पर करने के लिए मुस्तअद रहते हैं। मुस्तअद से मुराद है कोशिश करते रहते हैं, कोशां रहते हैं। इससे उनका काम भी वक्त पर अंजाम पा जाता है, उनकी सेहत भी ठीक रहती है, उनकी तबीयत में मुस्तअदी और चुस्ती रहती है, उनकी ज़िंदगी कामयाब व खुशगवार गुजरती है। अल्लाह ताला ने भी हमें वक्त की पाबंदी का हुक्म दिया है। नमाज हमें पाबंदी वक्त का दर्स देती है, रोज़ा भी वक्त का पाबंद बनाता है। वक्त पर सहरी और इफ्तारी करना पड़ती है। अगर सहरी देर से की जाए और इफ्तारी वक्त से पहले तो रोज़ा ही रह जाता है और सारे दिन की मेहनत रायगां हो जाती है। बकौल मौलाना हाली, यूं ही वक्त सो सो के हैं जो गंवाते, वो खरगोश कछुओं से है जिक उठा।